आपको मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, एकदम क्लियर है सर। कभी कभी नोटिफिकेशन के थ्रू भी वो क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट करा सकती है। अच्छा ये कौन सा था, ये था पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा अब जरा समझते हैं ये जो जो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है इसको समझते हैं। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ओ माय गॉड, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मतलब, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मतलब कि बेटा एक तो हम लोग पढ़े कि आपकी 40 लाख से ऊपर हो गए चलो रजिस्ट्रेशन कराओ, अगर कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो तो 20 लाख से ऊपर के चलो रजिस्ट्रेशन कराओ। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो आपको करवाना ही नहीं है, अगर आप होली एग्जाम सप्लाई देते हो आपको करवाना ही नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 24, ये कहता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब कि ये लोग वैसे लोग हैं जिनको की अमाउंट से कोई लेना देना नहीं, यानी कि कोई थ्रेशोल्ड लिमिट इनके लिए नहीं है। अगर ये 1 रुपए की भी सप्लाई करेंगे, अगर ये 1 रुपए की सप्लाई भी करेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सर। अगर 1 रुपए की सप्लाई भी नहीं किए तो वो भी करवाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो ऐसे लोग जो कि इस कैटेगरी में आते हैं सेक्शन 23 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन केस में, उनको अगर वो सप्लाई नहीं भी मतलब 1 रुपए की भी सप्लाई करिए तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनके लिए 40 लाख और 20 लाख वाली थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होती है। सर ऐसे कौन से महानुभाव है, मैंने बोला देखो पहला पर्सन मेकिंग यानी इंटर स्टेट सप्लाई, यूपी से यूपी में बेचते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, यूपी से बिहार में बेचते हैं दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। मैं यूपी से यूपी में बेचता हूँ 30 लाख का, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। मैं यूपी से बिहार में बेचता हूँ 10 रुपए का, इंटरस्टेट सप्लाई है, हाँ अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो फटाक से क्या करा दो, रजिस्ट्रेशन करा दो, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा, ठीक है सर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, याद होगा बेटा अगर जिस जिसने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो एक बार गो थ्रू कर लें, तो हम आगे वाले वीडियो में बता देंगे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी है, यानी कि कुछ समय के लिए अगर टैक्सेबल पर्सन बनता है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर्सन अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज का मतलब है कि रिवर्स चार्ज भी अगर आप लोग पिछला वीडियो याद हो तो ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि कभी कभी कोई नॉर्मली क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे लगता है, यानी कि सप्लायर ने अगर सप्लाई किया है तो जो रेसिपियंट है उससे वो टैक्स कलेक्ट करेगा और पे करने की लायबिलिटी किसके ऊपर होगी, सप्लायर के ऊपर, ये चलता है फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो सप्लायर है वो रिवर्स मतलब वो सॉरी वो टैक्स जो है वो पे नहीं करेगा सरकार को, बल्कि जो रेसिपियंट है उसी की लायबिलिटी बनती है कि वही जाकर के सरकार के पास टैक्स क्या करेगा, जमा करेगा। यानी कि सपोज मैंने अगर आपको बेचा सामान फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे, तो मैं आपसे टैक्स कलेक्ट करूंगा और सरकार के पास मैं अपने खुद पैदल चल के जाऊंगा और सरकार के पास जमा कर दूंगा, ठीक। दूसरा रिवर्स चार्ज में, मैंने आपको सप्लाई किया, मैंने आपसे पैसा ले लिया, टैक्स का नहीं पैसा ले लिया अपने सेल का, अब आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप पैदल चल के जाओगे किसके, यानी कि आप रेसिपियंट हो आप पैदल चल के किसके पास जाओगे, सरकार के पास, और सरकार के पास जाके टैक्स पे कर दोगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो अगर कोई बंदा रिवर्स चार्ज में आता है तो उसके लिए भी 20 लाख और 40 लाख के लिए कोई लिमिट नहीं है, उनको अगर 1 रुपये का भी सप्लाई वो रिसीव करते हैं तो उनको रेसिपियंट के तौर पर उनको रिवर्स चार्ज के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है सर। पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू पे अंडर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 5 और सेक्शन 9, ठीक है। अच्छा फिर है नॉन रेसिडेंट पर्सन, ठीक है किसकी बात कर रहा है, नॉन रेसिडेंट पर्सन की। नॉन रेसिडेंट अगर है, यानी कि कुछ समय के लिए वो इंडिया में आता है और आया और सप्लाई करके चला गया, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपल्सरी, उनके लिए भी 40 लाख और 20 लाख की लिमिट फॉलो नहीं होती है। पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और सर्विसेज, ठीक है प्रिंसिपल और एजेंट है तो उस केस में भी हमारा आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD, पिछली क्लास में हम लोगों ने शायद पढ़ा था, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी ऑफिस ऑफ द सप्लायर, ठीक है सप्लायर का कोई ऑफिस जिसको कि सप्लायर जो है वो अपना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे रजिस्टर करता है, वहाँ पे सारा इनपुट रखा होगा और उस ऑफिस का काम होता है कि वो सारी इनपुट जो है वो बाकी अपने ब्रांचेस में क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उसको कहते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आप पिछले किसी भी वीडियो में जाकर के उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए
तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, तुम्हारे ओला हो गया, ठीक है, उबर हो गया, ये लोग क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अगर ये 1 रुपए की भी सप्लाई करेंगे तो इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है सर। एवरी पर्सन सप्लाई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट को भी करवाना पड़ेगा। और किसी भी अदर पर्सन ऑफ क्लास और पर्सन एज बेबी, और गवर्नमेंट जो है वो कभी भी किसी भी क्लास ऑफ पीपल को क्या कर सकता है, बोल सकता है कि बेटा तुमको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अगर इतनी चीज़ें क्लियर है तो एक बार हम लोग क्विक से रिविजन कर सकते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन आने से पहले, ठीक है। तो क्विक रिविजन में क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सर किसको किसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उसमें 22 सेक्शन नंबर 22 टू 23 टू 24। सेक्शन 22 कहता है कि इन इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जिसकी 40 लाख से ऊपर की लिमिट है और जिनकी 20 लाख से ऊपर की है। 40 लाख किसके लिए, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं आते हैं, 20 लाख इसके लिए अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं। तो 23 में हम लोगों ने पढ़ा कि इनको नहीं करवाना पड़ेगा, उसमें था एग्रीकल्चरिस्ट या ऐसी कोई भी सरकार की कंपनी या ऐसा कोई भी कंपनी जो कि एग्जाम सप्लाईज करता है होली, ठीक, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, सेक्शन नंबर 24, जिसमें साफ साफ बोलता है कि कौन कौन से पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा इंटर स्टेट सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRI, कंपोजिशन स्कीम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, प्रिंसिपल एजेंट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, या गवर्नमेंट किसी को भी क्या कर सकती है, कभी भी नोटिफाई कर सकती है। इतनी बातें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग प्रोसीजर्स, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, क्योंकि 22 में था 40 लाख 20 लाख की लिमिट और 24 में था कंपल्सरी वाले, 23 वालों को तो करवाना ही नहीं है, शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरेटरी, हर उस स्टेट और यूनियन टेरेटरी में उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इन विच ही इज सो लाइबल विद इन 30 डेज, कितने दिन के अंदर में, 30 दिन के अंदर में। सर 1 तारीख को, 1 तारीख को हमने क्या किया था, अपने आप को रजिस्टर, 1 तारीख को मैंने अपने अपने को बिजनेस स्टार्ट किया था, 15 तारीख को, ठीक है, 15th को हम लोगों ने क्या किया उसको, 40 लाख से ऊपर लिमिट चली गई, ठीक है। अच्छा, अगर 15 तारीख को ही 40 लाख से ऊपर चली गई तो हमको कब से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 15 तारीख से। सरकार समय देती है, एक काम करो बेटा, तुमको 30 दिन का समय दे रहा है, 30 दिन के अंदर करा लो तो तुम्हारे ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। यानी कि 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में हम कभी भी क्या करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर मैंने 15 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया तो मुझे किसी भी तरह की पेनाल्टी पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर रजिस्ट्रेशन कब से कराएंगे, रजिस्ट्रेशन तो बेटा अगर तुम 15 जून को भी कराओगे तो ये माना जाएगा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कब से हुआ है, 15 मई से हुआ, यानी कि जिस दिन से आप लायबल होगे उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, ठीक है सर। इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन, टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज प्रायर। चलो हम लोग आराम से चर्चा करेंगे, 5 दिन के पहले उनको करना होता है। अच्छा, अ पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड अ सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उस व्यक्ति को उस हर स्टेट में, उस हर यूनियन टेरिटरी में सिंगल रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिस जिस स्टेट या जिस जिस यूनियन टेरिटरी में उसका बिजनेस है। सर इसको थोड़ा समझ में नहीं, इसको थोड़ा बताइए। मैंने कहा देखो बेटा, मैं यूपी में भी बिजनेस करता हूँ, मैं बिहार में भी करता हूँ, मैं शिमला में, हिमाचल प्रदेश में भी करता हूँ, मैं झारखंड में भी करता हूँ, मैं 5 जगह करता हूँ, ठीक है, एक ही मैं एक अकेला बंदा हूँ, 5 जगह बिजनेस करता हूँ। तो अगर मैं 5 जगह बिजनेस करता हूँगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन भी कितनी जगह कराना होगा, 5 जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है सर। अ पर्सन दो नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 23 मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी, आप वॉलंटरी भी करा सकते हो, ठीक है। मैंने बोला वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है कि अगर मान लो सर मेरा 20 लाख से ऊपर का नहीं है, लेकिन हमको भी ना मजा आता है सर टैक्स कलेक्ट करने में, हमको भी चाहिए ना कि हम भी टैक्स कलेक्ट करें, हमको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक। तो अगर किसी का मन करता है टैक्स कलेक्ट करने का, टैक्स चार्ज करने का, और वो टैक्स कलेक्ट करके सरकार के पास जमा करने का, अगर ऐसे कोई मानवीय या महान पुरुष है जिनको मन करता है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वॉलंटरी। यानी कि अगर आपकी लिमिट जो है वो 40 लाख से कम है, या आपकी लिमिट जो है वो 20 लाख से कम है,
तो उस केस में भी आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वॉलंटरली, ठीक है। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। मैंने अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया है, मैंने एक ही स्टेट में अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन लिया है, तो याद रखना कि जो एक आपका रजिस्ट्रेशन है वो दूसरे वाले रजिस्ट्रेशन से अलग होगा। यानी कि अगर मैं हिमाचल प्रदेश के जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ और मैं झारखंड के भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं झारखंड वाले जीएसटी में अलग तरीके से माना जाऊँगा और मैं हिमाचल प्रदेश के जीएसटी में अलग तरीके से ट्रीट किया जाऊँगा। यानी कि मैं सेम पर्सन ट्रीट नहीं किया जाऊँगा। मतलब सर, मतलब सीधा सा मतलब है कि अगर मैं झारखंड में जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ और मैं हिमाचल में भी हूँ, और अगर मैं झारखंड में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिमाचल में भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद से हमारे पास है वेयर अ पर्सन हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। सर बिल्कुल कॉपी पेस्ट है क्या, आप झूठी फिर वही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दो उसको। एवरी पर्सन शैल हैव अ परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन होना चाहिए भाई, पैन के बिना तो कुछ नहीं है, पैन है तो जहान है, ठीक है। जैसे होता है ना कि जान है तो जहान है, उसी तरीके से पैन है तो जहान है, ठीक भैया। अगर पैन नहीं है तो आपको कोई नहीं है इनकम टैक्स में, तो खासकर जब हम कभी भी टैक्स की बात करते हैं उसके लिए पैन क्या किया गया, कंपल्सरी किया गया है, ठीक। आधार नहीं है चल जाएगा, लेकिन पैन होना जरूरी है, ठीक। अच्छा, अ नॉन रेसिडेंट पर्सन शैल बी मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सच अदर डॉक्यूमेंट एज बी प्रिस्क्राइब। उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन किया गया, हम लोग चर्चा करेंगे। देखो नॉन रेजिडेंट जो है उसके लिए और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ना, वो दोनों के लिए थोड़ी कहानी अलग अलग है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, बड़ी मज़ेदार है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है वेयर अ पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर ऑफिसर में विदाउट प्रेजुडिस टू एनी एक्शन विच मे बी टेकन अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स प्रोसीड टू रजिस्टर सच पर्सन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखो बहुत कट बहुत इधर घुमाया है, सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति फेल कर गया रजिस्ट्रेशन कराना, तो वो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो अपने हिसाब से उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, पेनाल्टी जो चार्ज होगी वो होगी, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूआईएन नंबर मिलता है, यूआईएन याद रखना, यूआईएन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारी क्लास होगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल और यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिलहाल में अभी तुम इतना जान सकते हो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं अगर कोई फॉरेन एम्बेसडर्स है, मतलब एम्बेसडर्स होते हैं दूसरे कंट्री के, वो हमारे इंडिया में आते हैं, तो उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जाता है। या फिर अगर वो यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कोई क्या है, कोई वर्कर है या कोई एम्प्लॉय है, उसको भी हम लोग यूआईएन नंबर देते हैं, तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, जरूरी होता है। अ सर्टिफिकेट और इट शैल बी इशूड इन सच फॉर्म एज विथ इफेक्ट फॉर्म, ठीक है, और वो बाकी हमारे लिए कोई चीज़ ऐसी चीज़ काम करेगी। रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी डीम टू हैव ग्रांटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 10 इफ नो डेफिशिएंसी हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। ये मान लें कि भैया जितना टाइम है उसके दौरान में ही उसको इशू किया गया है, उसको अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, ठीक। तो इतने मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। अच्छा डीम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक एक्ट में अगर आप रजिस्टर्ड हो गए हो, अगर आप एक एक्ट में रजिस्टर्ड हो गए हो, तो हम दूसरे एक्ट में मान लेंगे कि आप रजिस्टर्ड हो गए। नहीं समझ में आया सर? मैं यूपी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं सीजीएसटी में ऑटोमेटिक हो गया। मैं हरियाणा जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं सीजीएसटी में ऑटोमेटिक हो गया। यानी कि अगर मैं एक स्टेट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया हूँ, तो मैं सीजीएसटी में ऑटोमेटिक डीम्ड मान लिया जाएगा कि आप क्या हो गए, रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन अगर मैं यूपी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हरियाणा में भी रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। अगर दूसरे स्टेट में आप काम करो, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
फिलहाल में बस इतना कहा जा रहा है कि अगर आप यूपी यानी सॉरी स्टेट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आप ऑटोमेटिक सेंट्रल जीएसटी में भी क्या होगा रजिस्टर्ड होगा, ये मान लिया जाएगा अगर रजिस्टर्ड हो। अगर मैं स्टेट जीएसटी में अपने आप को कैंसिल कराता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि मैं सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी से भी अपने आप को क्या कर लिया हूँ, कैंसिल कर लिया गया हूँ। ठीक है, तो ऊपर में यही लाइन लिखा है और नीचे में भी मेरे ख्याल से वही लिखा है, तो एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। ऐसे मैं पढ़ देता हूँ। द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दी और जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर दिस एचजीएसटी और द यूनिक आइडेंटिटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी अ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और द यूनिक आइडेंटिटी नंबर हैज नॉट बीन रिजेक्टेड अंडर दिस।